नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये वाई ग्रुप गैर तकनीकी ट्रेड का पेपर है और ये रीजनिंग का पेपर, ठीक है, रागा का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और यदि आपको इसी प्रकार के और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 20 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 8 दिन में कितने व्यक्ति पूरा कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है, आप इसे किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए, क्या रखा है कि 20 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो यहाँ आप क्या करेंगे, एक फंडा होता है, क्या होता है, M1D1 और अपान W1 बराबर क्या होता है, M2D2 अपान W2। ठीक है, ये फंडा होता है, इसका मतलब क्या है, मैन मतलब जितने आदमी होंगे वो लिखेंगे ऊपर, दिन होंगे वो लिखेंगे ऊपर, और W का मतलब हुआ कार्य, वर्क जो होगा वो हमारा नीचे होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बराबर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल लगाना, 20 व्यक्ति हैं तो 20 ऊपर जाएंगे, गुणा 12 दिन में पूरा करते हैं तो 12 दिन भी ऊपर जाएगा, और किसी काम को, ठीक, एक काम को, एक काम है तो एक काम जो है बटा एक होगा। ठीक है, बराबर बराबर कह रहा है, तो उसी काम को, तो काम कितना, काम वही रहा, 8 दिन में कितने व्यक्ति, कितने व्यक्ति हमने मान लिया, 100 व्यक्ति 8 दिन में पूरा करेंगे। तो आपके सामने हमने आपके सामने एक समीकरण को लिख दिया है और आपको इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो देखिए इसे हल करेंगे, क्या करेंगे, हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, इतना समझ गए होंगे आप। देखिए 2 एकन 2 और 2 दशमलव कितना होता है, 20। ठीक है, हमारा कितना निकल गया, 10 तियाँ कितना होता है, 30, तो हमारा निकल गया 30 बराबर x, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे 30। हमने क्या माना था, हमने माना था x व्यक्ति, तो x व्यक्ति का मतलब 30 व्यक्ति, तो 30 व्यक्ति जो है उस काम को 8 दिन में पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए आप लोग सवाल नंबर अगला हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल नंबर दूसरा हमसे कह रहा है कि एक स्कूटर सवार 200 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करता है, स्कूटर सवार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ठीक है, आपसे कह रखा है कि 200 मीटर की दूरी है और 24 सेकंड में तय करता है, चाल पूछी गई है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये आपका सूत्र होता है। दूरी कितनी हमारी है, दूरी है 200 मीटर अपान समय कितना है, समय है 24 सेकंड। ठीक है, तो हमारा इतना हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारी चाल निकल के आ गई है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, ये हमारी निकल के आ गई है। हमसे पूछा गया स्कूटर सवाल के चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में। अब आपको बता दें हम कि जब भी कोई भी चाल होती है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, तो उसे 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बराबर 200/24 और गुणा क्या करेंगे, 18/5, इतना कर लेंगे, ऐसे काटना आपको, 5 से काटिए, 5×5 ये कितना हो जाएगा, 5×20 इतना आ गया हमारा, 8 से काटिए, देखिए 8×3=24 होता है और 8×5=40, 3×6=18 इतना हो गया हमारा, तो कितना आ गया, 5×6, 5×6 कितना होता है, 30, तो 30 इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए सीमित रखा है 30, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिएगा सवाल, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, देखिए हमसे सवाल कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है, लाभ परसेंट कितना है। ठीक है, आपको ये बताना है विक्रय मूल्य क्या है इसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना, विक्रय मूल्य हमारा होता है SP, तो SP जो है वो कितना है, वो है 3/2 गुना है CP के। आप इतनी बात तो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है SP/CP, निकालिए कितना आएगा हमारा, हमारा आ जाएगा 3/2, इसका मतलब क्या, SP हमारा है 3 और CP कितना है 2। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को 2 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेचिए तो हमें क्या होगा, हमें लाभ होगा, आपको पता है कितने का लाभ होगा, हमें देखिएगा 1 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/CP लिखेंगे 2 गुणा करेंगे हम 100 से। ठीक है, हल करेंगे इसे, 2×1=2, 2×5=10, 0 आ गया हमारा 50। देखिए 50 हमारा आ चुका है, लिखा है लाभ परसेंट कितना है, लाभ परसेंट है 50%, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको प्रैक्टिस सेट हल करने में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। अब देखिएगा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है। ठीक है, बतानी आपको है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम विषम संख्याएं मानेंगे, पहली संख्या x, दूसरी क्या हो जाएगी, विषम संख्या है 5, दूसरी हो जाएगी, देखिए 5 क्रमागत विषम हो चाहे सम संख्या हो, मानते हैं x, x+2, x+4, x+6 और x+8, ठीक है, इस प्रकार से मानते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं हम मान लेंगे, पहली संख्या x है, दूसरी हमारी हो जाएगी x+2, तीसरी हो जाएगी x+4, चौथी हो जाएगी x+6 और कितनी आएगी x+8, इतनी संख्या हो जाएंगे। ठीक है,
आपको दिख रहा है पांच संख्या होंगे, पहले दूसरी तीसरी चौथी और पाँचवीं। संख्याओं का औसत कितना है? 15। इसका मतलब इन सबको जोड़ेंगे और बटे में इसके पाँच करेंगे बराबर 15। बटे में कितना लेंगे? बटे में पाँच बराबर 15। देखिए बटे में इसके पाँच होएगा, बटे में पाँच बराबर 15 होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 75। तो हमारा इतना गया है। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए होंगे। हमें x जोड़ना पड़ेगा, कितनी बार x लिखा है, 5 बार लिखा है, तो हो जाएगा 5x और प्लस का कितना हो जाएगा, 2, 4, 6, 8। तो 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20 प्लस का 20 बराबर कितना हुआ, 75। इतना भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए 5x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी हमारी, 75 से हमें 20 माइनस करना है, कितना बचेगा, 55। इतना भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 × 51 मतलब 11 आ जाएगा। हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या कितनी थी हमारी, सिर्फ x, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आई है 11। इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आप लोग अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। ठीक है, ये सवाल हमने आपको बेसिक से बताया है। इसके बाद देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी कक्षा में 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि उनकी उम्र का अनुपात 3:5 × 7 हो तो बड़े लड़के की आयु क्या है, आपको बतानी है। ठीक है, किसी कक्षा के 3 लड़कों की औसत आयु है 15 वर्ष, 3 की औसत आयु कितनी है, 15 है, अनुपात कितना है, 3:5 × 7। अगर हम मानेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 की हो जाएगी 3x, 1 की हो जाएगी 5x और तीसरे की हमारी कितनी हो जाएगी, 7x। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब कह रखा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, इसका मतलब क्या है कि इन सभी को जोड़ेंगे, लिखेंगे 3x + 5x + 7x और बटे में लिखेंगे 3 बराबर है, हमें रखा है 15। इतना भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद ही क्या करते हैं, 5 × 3 = 8, 8 × 7 कितना हुआ, 15x, तो 15x/3 बराबर कितना है, 15। इतना भी आप समझ गए होंगे, 15 से 15 कट जाएगा तो हमारा x बराबर निकल कितना गया, 3 निकल के आ गया। x का मान तो आप सब लोग निकाल लेंगे। हमसे पूछा गया है सबसे बड़े लड़के की आयु, सबसे बड़े लड़के की आयु कितनी, 7x, तो हम क्या करेंगे, 7 × x का मान कितना आया हमारा, 3, तो हमारा कितना आएगा, 7 × 3 = 21, तो सबसे बड़े लड़के की आयु क्या होगी, 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आप लोग कॉपी कलम निकाल कर नहीं बैठे हैं तो कॉपी कलम निकाल लीजिएगा, जिससे कि आप लोग हमसे पहले ही प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने सीखें। ठीक है, जिससे आपको पेपर में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 पैसों को रुपए में बदलो। आपको पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर इससे निकालेंगे तो 1 पैसे में कितने हो जाएंगे, 1/100 रुपये। ठीक, ये बात आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे निकालेंगे 15 पैसे में रुपए निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 15/100 करना पड़ेगा। ठीक है, हल करेंगे, 2 जीरो कटेंगे, ऊपर पॉइंट यहाँ आ जाएगा हमारा। अब आपको चेक करना है कि इस ऑप्शन में रखा है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0.15। देखिए इसके बाद अगला सवाल क्या करा हमसे कि 9216 को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपये मिले जितने व्यक्ति हैं, इसका मतलब क्या है, बराबर मात्रा में रुपए मिलेंगे जितने व्यक्ति होंगे उतने ही रुपए मिलेंगे। अगर ये आपको कंडीशन दे रखी है तो इसका मतलब है जितने भी रुपए हों उनका आपको निकालना है वर्गमूल। तो आपको 9216 का वर्गमूल निकालना है। आप लोग निकालना जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप सीखिएगा। देखिए पहले क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो है 92, हमें पहाड़ा पढ़ना है वर्ग पहाड़ा, 1 1 9 2 2 4 3 3 9 4 6 16 5 5 25 6 3 36 7 7 49 8 8 64 9 81। तो हमारा कितना हुआ, 9 हमारा कितना हुआ, 81। ठीक है, तो हमारा कितना बचा, 12 से 2 से 1 गया 1 9 से 8 गया 1, इतना बचिए हमारा, यहाँ हमारा हो गया 81। हमें क्या करना है, आगे उतारना है, 16 उतार लेना है। ठीक है, ये 9 हमें यहाँ भी लिख देना है। देखिए 9 तो हमारा आ गया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समझ लेते हैं कैसे करेक्ट होगा, आगे भी देखिए। तो यहाँ आपको क्या करना है, 6 से गुणा करनी है। ठीक है, 6 से गुणा करनी है, गलत हो गया, देखिए फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें 9 9 कितना हुआ, 18 हुआ है। ठीक, इतना ऐसे हुआ 18, तो यहाँ 9 लिख देंगे हम। अब देखिए हमारा यहाँ कितना बचा, 11 बचा था, यहाँ पर हम 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग कितना हो जाएगा, अब आपको समझना है तो गुणा करिए। 36 का अच्छे यहाँ से लगा 3 और क्या हुआ, 18 × 108 108 3 कितना हुआ, 111, इसका मतलब 6। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि हमारा कितना आएगा, 96 जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल को इस प्रकार से निकाल लेते हैं। इसके बाद देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों के परिवार की औसत उम्र कितनी थी, 19 वर्ष थी। 6 सदस्यों के परिवार की औसत उम्र कितनी थी, 19 वर्ष थी। तो 6 का औसत कितना है, 19, तो योग पूछा है, योग तो योग कितना हो जाएगा, 19 × 6 कितना होगा, 114 हो जाएगा। कब था, 3 वर्ष पहले, ठीक 3 वर्ष पहले इतना था, लेकिन अब मान लीजिए आपसे कहा जाए वर्तमान कितना होगा, तो प्रत्येक सदस्य की आयु 3 3 वर्ष बढ़ जाएगी।
समझ रहे हैं आप लोग कि 3 वर्ष पहले की बात की गई, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है वो 3 वर्ष, सबकी उम्र 3-3 वर्ष बढ़ जाएगी। तो 6 व्यक्ति 6 लोग थे और सबकी उम्र 3-3 वर्ष बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ 18 वर्ष और बढ़ गया इसमें, ठीक है। तो हमारा अब कितना हो गया 8 4 12 का, तो वहाँ से लगा 1 3 1, अब टोटल आय हो गई सबकी 132, ठीक है। अब क्या रखा है, परंतु अब एक बच्चे के जन्म लेने के बाद, अब बच्चा एक और हो गया, तो इसका मतलब क्या 6 के लोग हो गए 7, औसत उम्र 19 वर्ष ही है, तो औसत कितनी है 19 है, समझिए ये कितने लोग हो गए, लोग हो गए 7, औसत 19 है। अब अगर इसका योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 19 सत्य कितना होता है 133। अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है कि इनका योग 132, इनका योग 133 माइनस कर दीजिए, तो हमारा आ गया 1 वर्ष। हमसे पूछा गया बच्चे की उम्र क्या होगी, तो बच्चे की उम्र क्या होगी 1 वर्ष, तो बच्चे की उम्र 1 वर्ष होगी। तो ऑप्शन देखिए इसमें नहीं देखा है, लेकिन आपको पता लग गया है, आपको आगे ऑप्शन ही मिल सकते हैं, ठीक है, देखिए आगे मिल जाएंगे। तो इसका हो जाएगा 1 वर्ष, देखिए ऑप्शन आपको नहीं दिया है कोई बात नहीं, लेकिन 1 वर्ष होगा, ठीक है इसका। अब देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश में 40% की तथा हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए, तो नया भिन्न पुराने भिन्न का कौन सा भाग होगा। हम अगर मान लेंगे भिन्न हमारी है x/y, ठीक है, मान लिया आपने। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है उसके कि एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि है, इसका मतलब x था अंश और अंश में कितनी वृद्धि 40, जितनी वृद्धि होती है वो कितने पर होती है 100 पर होती है, तो हो जाएगी 140 अपान हर में 80% की, इसका मतलब हर है y और उसमें 80% की वृद्धि कर दी गई, मतलब 180 इतना हो गया, काटिए 0 0 कट जाएगा, 2 7 14 2 9 18 तो हो गया 7/9, ये कितना हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा 7/9 x/y। इसका मतलब है जो पुरानी भिन्न थी, जो नई भिन्न हमारी आई है वो पुरानी भिन्न की 7/9 गुना आई है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 7/9। ये सवाल आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। देखिए अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 62% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 144 वोटों से हरा देता है, तो कुल वोट हैं, देखिए वोट कितने होते हैं, हमेशा वोट होता है 100%, 100% में से एक हारने वाला है एक जीतने वाला है, जीतने वाले को मिले 62%, इसका मतलब इसे मिले 62%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 100 से माइनस करेंगे, 10 से 2 गया 8 बचा यहाँ पर, 9 से 6 गया 3, हारने वाले को कितने मिले 38% मिले, ठीक, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब कह रखा है सवाल पढ़िएगा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 62% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 144 वोटों से हराता है, अगर इसके पास 144 वोट और होते तो जीत जाते वाला 38 वाला, तो इसका मतलब ये इतने से हार गया, ठीक है। इसका माइनस कर लिए, अंतर निकालिए, अंतर कितना आया 12 से 8 गया बचा 4 और यहाँ 5 से 3 गया बचा कितना 2, तो 24% की वैल्यू हमारी कितनी है 144, आपको निकालना क्या है 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 24/24 से काटिए 24 24 6 144, तो आ जाएगी 6%, 1% की वैल्यू आ गई हमारी 6, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 600, ठीक है। तो इसका मतलब पूछा गया है कुल वोट कितने हैं, तो कुल वोट है हमारे 600, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, यदि बोर्ड के लिए CPBSE लिखा गया है तो हाउस के लिए क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जाएगा। आप लोग देखिए यहाँ पर लिखेगा, लिखा है BOARD और इसके लिए लिखा गया है CPBSE। देखिए अगर हम बी से ई पर आएंगे तो प्लस का बंद करेंगे, ओ से पी पर आएंगे तो प्लस का बन, यहाँ भी प्लस का बन, यहाँ प्लस का बन और यहाँ भी प्लस का बन, इसका मतलब प्रत्येक संख्या में प्लस का बन करना है, हमें उतार लेना है, संख्या क्या दी है HOUSE, सब में प्लस का एक कर देना है, करेंगे कितना आएगा H1 हो जाएगा I, O के बाद P, U के बाद क्या आएगा V, S के बाद T और E के बाद क्या होगा F, तो हमारा कितना आया IPVTF, IPVTF ऑप्शन नंबर देखिए ए में रखा है, तो ए ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा इसके बाद अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, अगला सवाल कह रहा है निम्न श्रेणी में अगला पद क्या होगा। अगर आपको इसी प्रकार के और भी प्रैक्टिस चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग हमारे सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए इसमें आपके सामने सीरीज दी गई है 12, 13, 15, 18, 19 और 21, 23, तो आगे आप लोग क्या भरना पसंद करेंगे, ठीक है, आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब देखिएगा 12 से जब 13 पर आएंगे कितना करेंगे, हम यहाँ पर प्लस का एक किया हमने, यहाँ पर 13 से 15 पर आए तो प्लस का यहाँ पर कितना किया 2 किया है, इसके बाद देखिए 15 से 18 पर आए कितना किया प्लस का 3, इतना समझ रहे हैं आप, पहले 1 फिर 2 फिर 3, यहाँ पर देखिए फिर से हमने क्या किया प्लस का 1 किया है, यहाँ प्लस फिर से प्लस का 2 किया, यहाँ फिर से प्लस का कितना किया 3, तो देखिए पहले 1 2 3 किया फिर से 1 2 3, तो अब क्या क्या जोड़ेंगे प्लस का 1 करेंगे तो क्या आएगा 25, तो हमसे यही निकालना है 25 वाला, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसके बाद अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है,
अब देखिए अगला सवाल कह रहा है, दूध के लिए पनीर तो पानी के लिए क्या होगा? दूध से क्या बनता है? जब दूध जम जाता है तो क्या बनता है? पनीर बन जाता है। इसी प्रकार जब पानी जम जाएगा तो क्या बन जाएगा? पानी जमने के बाद क्या बनता है? बर्फ बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले आप लोग थोड़ी दिशाएं जान लीजिए। देखिए यहाँ पर ये आपके सामने बना है, ये होगी ईस्ट मतलब पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये हो जाएगी दक्षिण। आपसे कहा गया उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व किधर होगा? ये वाली दिशा होगी, ये होगी उत्तर पूर्व। ठीक है, तो मान लीजिए उसका घर यहाँ पर था, यहाँ पर उसका घर है और कहाँ गया? अपने स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर मतलब इस तरफ। ठीक है, कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर गया। उसके बाद क्या है कि चलकर दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है। दक्षिण का मतलब है नीचे के मुड़ता है, कितना? 4 किलोमीटर आकर रुक जाता है, 4 किलोमीटर रुक गया। वह अपने पूर्व स्थान से कितनी दूरी पर? ये दूरी निकालनी है। ठीक है, ये दूरी कितनी आएगी? इसे निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? देखिए ये 90° का कोण बन रहा है, इसका मतलब ये हमारा बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का हमें निकालना है आधार। निकालने के लिए लिखेंगे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, और माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16, आ जाएगा हमारा अंडर रूट 9, तो इसका मतलब आ गया 3। ठीक है, तो 3 किलोमीटर ये दूरी निकल आएगी। ऑप्शन नंबर सी में रखा है, डी में 3 किलोमीटर, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, यदि कोई व्यक्ति समतल में खड़े खंभे को कुछ दूरी पर है, खंभे से कुछ दूरी पर है, मान लीजिए खंभा खड़ा है और ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति है, ठीक है, तो ये कुछ दूरी पर है, यदि वह खंभे के निकट आ जाए तो खंभे के ऊपरी सिरे का कोण बढ़ेगा या घटेगा? देखिए पहले आप मान लीजिए, देखिए ये खंभा आपका खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ पर ये खंभा है। ठीक है, कह रखा यदि कोई व्यक्ति समतल में खड़े खंभे से कुछ दूरी पर है, मान लीजिए यहाँ पर है, यदि वह खंभे के निकट आ जाता है, आता जाए, अगर वो खंभे के निकट आता जाए तो खंभे के ऊपरी सिरे का कोण बढ़ेगा घटेगा? अगर निकट जाएगा, देखिए ये वाला कोण पहले कितना था और जब निकट आया तो इतना हो गया, अब आप बताइए घटा या बढ़ा? हमारा ये देखिए ये घट गया है, क्योंकि यहाँ पर जब है तो घट जाएगा, यहाँ पर होगा तो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर घट गया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी रखा है घटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट जाएगा घटेगा। अब देखिएगा आप लोग अगला सवाल क्या है, संबंधित आकृत चुने, आपको यहाँ पर आकृत चुननी है। देखिए पहली आकृत दूसरे की तुलना करें तो पहली वाला एक था तो दूसरे में उल्टा करके हमने 2 कर दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी करना हमें है, क्या करना है? इसको उल्टा करना है, इसको उल्टा करेंगे तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, और एक बार और लगाएंगे इसके पीछे, इस प्रकार से हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए गलत हो गया वाला, ऑप्शन नंबर देखिए सी वाले में देखा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो होगा अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें हमने रीजनिंग के वीडियो बनाई हैं, मैथ के वीडियो भी बनाई हैं। ठीक है, वहाँ जाकर आप पूरा पाठ पढ़ सकते हैं, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस सेट को हल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आप लोग मैथ और मैथ के साथ साथ आप लोग रीजनिंग की प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, जिससे कि आपको रीजनिंग के सवाल हल करने में थोड़ी आसानी और हो जाए। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, हमारे सामने देखिए इसमें 6 भुजाएँ हैं, इसमें 4 भुजाएँ। ठीक है, इसमें 6, इसमें 4 भुजाएँ। देखिए पहले वाले चित्र में कितनी भुजाएँ थी हमारे, इसमें 6 भुजाएँ थी, इसमें 4 भुजाएँ, इसमें 5 हैं, तो इसमें कितनी होंगी? आपसे यही कहा गया है पहले, क्योंकि यही निकाल लीजिए, अंदर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसमें 6 थी और तो यहाँ से आए यहाँ पर तो हो गए 5, तो यहाँ से 4 से यहाँ पर आएंगे तो जाएंगे भुजाएँ 3, तो हमें देखना है सिर्फ 3 भुजाएँ चेक करना है, 3 भुजाएँ किसमें है, त्रिभुज किसमें है, त्रिभुज ए ऑप्शन वाले में है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बेमेल आकर चुने, आपको इसे बेमेल बताना है। आपको सही सही आप लोग चित्र देखिएगा, पहला देखिए, अब दूसरा देखिए, फिर तीसरा, फिर चौथा। आपको चौथे वाले में थोड़ा गड़बड़ लगेगा, क्योंकि इसमें 3 राउंड हैं। ठीक है, बकाया सब में डबल है, लेकिन इसमें 3 राउंड है, तो इसलिए 3 वाला जो है गलत हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन में बताना है बेमेल कौन सा है, इसके बताने के देखिए हमसे जूम कर दे थोड़ा, अब आप सही से देखिएगा, अब बताइएगा इसमें से कौन सा विषम है। सबको सही से देखिएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं लगेगा, क्योंकि सी के अंदर जो है ये पूरी लाइन नहीं है हमारी, इतना अधूरा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिएगा इसमें भी आपको बताना है बेमेल कौन सा है, आप लोग सही से देखिएगा, आपने देख लिया होगा। अब देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये देखिए खाना अधूरा है, अगर एक बार पूरा हो जाएगा, ये वाला अधूरा है पूरा हो जाएगा, अब ये वाला पूरा हो जाएगा अब, लेकिन ये वाला तो अपने आप पहले से ही पूरा था, तो यही वाला जो है इसका विषम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अब आपको देखिए इसके लिए आपको जी के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष।
तो देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आयु जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगले क्वेश्चन में कहा गया है तारों के समूह को क्या कहा जाता है, आकाशगंगा, बीटलगीज, सेंटारस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तारे के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन सर्वदाता किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को कहा जाता है, सर्वदाता ए बी ए बी ओ, तो ओ वाले जो है रक्त ग्रुप वाले समूह वाले मतलब व्यक्ति को कहा जाता है सर्वदाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, अक्रिय गैस। देखिए बिजली के बल्ब में पाई जाती है अक्रिय गैस, ठीक है, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन जो है ये क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये होती हैं क्रियाशील गैस, ये बल्ब के अंदर बिजली से मतलब क्रिया कर लेंगे, ठीक है, और बल्ब हमारा फूट जाएगा, बेकार हो जाएगा, इसलिए हमारी ये अक्रिय गैसें जो है इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है, ये लिखा है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, तो ये स्थित है दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन सेंटियागो किस देश की राजधानी है, इक्वाडोर, ब्राज़ील, सूरीनाम, चिली, तो देखिए क्या पूछी गई, सेंटियागो ये राजधानी किसकी है, ये राजधानी है चिली की, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विजय कुमार किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी, हॉकी, निशानेबाजी, तैराकी, तो विजय कुमार किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन माउंट आबू में कौन सा मंदिर स्थित है, बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर, सूर्य मंदिर, इनमें से कोई नहीं, तो माउंट आबू में कौन सा मंदिर है, जैन मंदिर, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्य हैं, कितने हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्य थे 16, 45, 51, 75, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 51। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस सेट जो है समाप्त हो गया है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, लाइक करने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और यदि आपको अंग्रेजी रागा के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं, और यदि आपको मैथ के क्लास पढ़ने हैं या रीजनिंग का क्लास पढ़ना है तो उसका लिंक भी आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और यदि आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो जीके के लिए भी हमने जो है उसकी व्यवस्था कर दी है, आपको वहाँ से वो प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।